आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। दोस्तों, सिखों के 10 गुरुओं के बारे में हम पूरा का पूरा एक सीरीज बना रहे हैं, तो आप सिखों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे गुरु के बारे में बनाए गए हमारे वीडियो को जरूर देखें। इन वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गुरु अर्जुन देव जी के पिता सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास जी थे, और उनकी जो माता जी थी उनका नाम भानी जी था। गुरु अर्जुन देव जी 15 अप्रैल को 1563 में गोइंदवाला अमृतसर में पैदा हुए। गुरु अर्जुन देव जी ने जिस तरह से गुरु भक्ति दिखाई गुरु रामदास जी के लिए, जिस तरह से वो समर्पित रहे अपने धर्म के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए, उनके इस समर्पण को देखते हुए गुरु रामदास जी ने पांचवें गुरु के तौर पर उन्हें 1581 में गुरु गद्दी सौंप दी। गुरु रहते हुए गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादन किया, जो कि मानव जाति के लिए एक बहुत ही कीमती भेंट रहा। और आज के समय में गुरु ग्रंथ साहिब जी एक पवित्र गुरु के तौर पर माने जाते हैं, सिखों के लिए बहुत अहम है। मानवता में धार्मिक सौहार्द पैदा करने के लिए अर्जुन देव जी ने पहले के जो गुरु हुए सिखों के, उनके पहले जितने भी गुरु हुए उनकी जितनी भी वाणियां थी, जितनी भी उन्होंने प्रवचन दिए थे या जगह जगह पर इकट्ठा, जगह जगह पे जो वाणियां फैली हुई थी एक जगह से दूसरे जगह से, उन्होंने इकट्ठा किया इन सारी वाणियों को और उसे धार्मिक ग्रंथ में सहेज दिया, एक पूरा रूप दे दिया ग्रंथ का। गुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने खुद के गाए गए 30 रागों में 2218 शब्दों को जोड़ा। चलिए गुरु अर्जुन देव जी से जुड़ी एक कथा जान लेते हैं। बाला और कृष्णा पंडित उन दिनों सुंदर कथा करके लोगों को खुश किया करते और ऐसा करके लोगों के मन में वो शांति पहुंचाने की कोशिश करते और इस तरह से वो अपनी कमाई भी कर लेते। हुआ एक दिन ऐसा कि वे गुरु अर्जुन देव जी के दरबार गए और वहां कहा उन्होंने, उन दोनों ने कि महाराज, हमारे मन में शांति नहीं है, ऐसा कोई उपाय आप बताएं जिससे हमें शांति मिले, सुकून मिले। फिर गुरु जी ने कहा कि आप अगर मन की शांति चाहते हैं तो आप लोगों को जैसा करने को कहते हैं वैसा ही आप खुद भी करिए। मतलब अगर आप जिस तरह का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसको खुद पर भी अप्लाई करिए। गुरु जी ने कहा कि अपनी कथनी पर आप खुद भी अमल किया करें, परमात्मा को संग जानकर उनको याद किया करें। धन जुटाने के लिए बस कथा करेंगे तो आपके मन को शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा, और होगा उल्टा ये कि मन में लालच बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कमाने की इच्छा होती जाएगी और इस तरह से आप दुखी रहेंगे। गुरु जी ने उन दोनों को कहा कि आप निष्काम भाव से, मतलब कुछ पाने की इच्छा छोड़कर आप कथा किया करें जिससे कि आपके मन में सच्ची शांति फैले। ये तो हुई एक कथा। गुरु अर्जुन देव जी से जुड़ी एक और कथा है जिसको हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। वो ये कि एक दिन गद्दी पर बैठे गुरु अर्जुन देव जी के मन में आया कि सभी गुरुओं की वाणी को इकट्ठा किया जाए और इस पर उन्होंने जल्द काम करना भी शुरू कर दिया। उस समय गुरु अर्जुन देव के जो अर्जुन देव जी के जो मामा मोहन जी थे उनके पास नानक वाणी की जो मूल प्रतियां थी वो उन्हीं के पास थी। वो प्रति लाने के लिए भाई गुरदास को गुरु जी ने मोहन जी के पास भेजा, जो कि उनके मामा जी थे उनके पास भेजा। मोहन जी ने प्रति देने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद भाई बुद्धा को भेजा गया, प्रति उनको भी नहीं दी गई। इसके बाद आखिरकार गुरु जी खुद उनके दरवाजे पहुंचे और गुरु जी को उनके जो उनके मामा के सेवक थे उन्होंने घर में घुसने तक नहीं दिया। गुरु जी तो धुन के पक्के थे। हुआ ये कि वो गा गा कर अपने मामा को मनाने लगे ताकि वो नानक वाणी की जो प्रतियां हैं वो उनको सौंप दे, जिस पर मोहन जी ने गुरु जी को डांट भी लगाई और ध्यान करने चले गए। पर गुरु जी तो गाते ही रहे, वो माने कहां, उनको तो प्रतियां चाहिए थी। और आखिर में उनके धैर्य और उनके विनम्रता से मामा का दिल पिघल गया और वो बोले,
बेटा मैं तुम्हें नानक बाणी की मूल प्रतियां दूंगा, क्योंकि उसे लेने के सही हकदार तुम ही हो। इसके बाद सभी गुरुओं की वाणी को गुरु अर्जुन देव जी ने सहेजा, इकट्ठा किया और एक ग्रंथ का रूप दिया, जो कि आज गुरु ग्रंथ साहिब जी के तौर पर जाना जाता है। और गुरु जी ने हरमंदिर साहिब में इन गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्थापित किया। गुरु अर्जुन देव जी हमेशा ही लोगों को संदेश देते रहे, उपदेश देते रहे, शांति का पाठ पढ़ाते रहे और महज 43 साल की उम्र में वो कुर्बान हो गए। सती प्रथा के खिलाफ हमेशा ही गुरुजी लड़ते रहे और समाज के कुरीतियों के खिलाफ वो हमेशा ही खड़े रहे। गुरुजी आध्यात्मिक चिंतक भी थे। उन्होंने तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मागे, शबद उगाते हुए साल 1606 में अमर शहीद हुए। गुरु अर्जुन देव जी को लेकर हमने और भी कई वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि कैसे वे शहीद हो गए, उन्होंने किस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन किया। इन सारी जानकारियों को लेकर हमने गुरु अर्जुन देव जी को लेकर काफी सारे वीडियोस बनाए हैं। आपको उनके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे, आप जरूर उन वीडियोस को देखें ताकि आप गुरु अर्जुन देव जी की कुर्बानी के बारे में और अच्छे से जान सके, उनकी उपलब्धियों के बारे में और अच्छे से जान सके। इस वीडियो में इतना ही।